So welcome back to the channel guys. So this is my life, I vlog. This is Sharad. So aaj hai 9th of September, Sunday. I'm thinking to take test ride of BMW. Jo do BMW ki bikes aayi hai, 310 GS and 310 R. So un dono test ride lene jayenge. Dono mein se kiski test ride agar mere ko preferable hoga to I think main lunga GS ki, kyunki wo hai adventure edition ki. So wo chalane mein dekhte kaise lagegi. Saath is vlog mein aap dekhoge aaj jo bahut dino se log mang rahe the. So basically the list of items जो हमें ज़रूरी है लेके जाना ऑन लॉन्ग राइड्स. तो ठीक है, मैं बताता हूँ, ये मेरे को कुछ आइटम्स नहीं, मैं प्लस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कौन कौन से आइटम यूज़ हुए थे जब मैं लॉन्ग राइड पे गया था. मतलब बहुत लॉन्ग नहीं थी, लाइक वन नाइट वाली थी, वन नाइट टू डेज और अराउंड 900 किलोमीटर्स की थी, ज़्यादा नहीं थी. तो स्टार्टिंग लिए ठीक था. सो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. सो देखो, सो सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं है एक्चुअली, मैं अपनी कार में भी हूँ मैं. सो अभी बस लिस्ट आइटम शेयर करूँगा, साथ में मैं आपको ऊपर पिक्चर्स दिखा दूँगा, तो आप वो देखते रहना साथ साथ कि क्या है. ठीक है, सो हियर इट गोस. सो जो फर्स्ट आइटम है वो है फ्यूज़. सो आपकी अगर बाइक में जो फ्यूज़ लगे होते हैं, सो थोड़ा आप एक्स्ट्रा कैरी करो, सो दैट कि अगर लॉन्ग राइड में आपको प्रॉब्लम होती है सो यू कैन चेंज इट. मतलब क्या होता है, हमने एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रखी होती हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रखी होती है इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से. मतलब इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन लाइक जैसे लाइट्स हो गए एक्स्ट्रा और हॉर्न हो गया, या कुछ भी हो सकता है, चार्जर लगा होता है तो कुछ भी फूक सकता है. सो बी रेडी कि अगर आपने ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कराया तो एक्स्ट्रा फ्यूज़ ज़रूर कैरी करना. सो आप ही के लिए अच्छा रहेगा. तो पहला आइटम है एक्स्ट्रा फ्यूजेस फॉर योर बाइक. सो सेकेंड आइटम है चेन लॉक. सो बेसिकली यू कैन कैरी अ चेन एंड लॉक जो आपको कहीं भी हेल्प कर सकती है. ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम नीड नहीं आएगी लेकिन आ सकती है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो यू शुड कैरी अ चेन लॉक. सो मे बी आपको कहीं पे बाइक ऐसे लगानी पड़े कि जहाँ पे आपको लगे सेफ नहीं है, तो यू कैन लॉक योर बाइक विद सम पोल और समथिंग, थोड़ा सा बाइक की सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा. ठीक है, सो सेकेंड आइटम इज चेन लॉक. सो थर्ड आइटम जो आप अगर लॉन्ग टूर कर रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए रोप. रोप बेसिकली कैसे काम आ सकती है, रोप इज़ लाइक कि आपका पूरा सामान लगेज अगर आपको बांधना है कहीं से तो आपके लिए वो हेल्पफुल रह सकती है. आपने लेट्स से आपने बैग, सैडल बैग भी ले लिया, बहुत कुछ ले लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीज़न कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ फट जाता है, तो आप उसको रोप से एक्स्ट्रा सेफ्टी दे सकते हो. तो थर्ड आइटम इज़ रोप. सो फोर्थ आइटम है स्पेयर क्लच एंड एक्सीलेटर केबल. सो बेसिकली जैसे हमारी बाइक में वेयर एंड टेयर नॉर्मल होता है, सो कई बार ऐसा होता है कि आप हिली एरिया में चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, तो क्लच की हैंडलिंग चेंज होती रहती है, तो समटाइम्स अगर कभी हो जाता है कि ब्रेक हो सकती है वायर्स, तो बेटर है आप एक्स्ट्रा क्लच वायर और एक्सीलेटर वायर्स कैरी करो. ठीक है, सो फोर्थ इज एक्सीलेटर एंड क्लच वायर एक्स्ट्रा. सो मैं आपको बताता हूँ, मेरी राइड में मैंने कैरी नहीं किया था क्योंकि मैं ग्रुप के साथ राइड कर रहा था, तो ऐसा आप भी सोच के चल सकते हो कि कोई ना कोई हेल्प आपकी कर देगा, लेकिन अगर आपको सेफ साइड रहना है तो बेटर है कैरी योर ओन एक्सीलेटर एंड क्लच वायर. क्योंकि राइड पे हुआ था, हमारे एक राइडर के साथ हुआ था, उसकी क्लच की वायर टूट गई थी. सो हो सकता है, सो बेटर है कैरी कर. फिफ्थ आइटम इज इंजन ऑयल. सो इंजन ऑयल का क्या होता है, जब हम लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो वो कंज्यूम होता रहता है, समटाइम्स इंजन में कोई हल्का प्रॉब्लम भी आ सकता है, सिर्फ ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू हो जाता है. सो सेफ साइड में रह सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा इंजन ऑयल भी कैरी करो. ये भी हुआ था हमारी राइड में, गोल्डन ट्रायंगल राइड में, कि इंजन ऑयल कई बाइक से कम हो चुका था. सो बिना इंजन ऑयल के बाइक चलाओगे तो बाइक को नुकसान होगा, सो बेटर कैरी इंजन ऑयल, एक्स्ट्रा इंजन ऑयल. सो सिक्स्थ आइटम है टेप. सो टेप आपको बहुत जगह हेल्पफुल हो सकती है, मतलब कि कुछ फट गया, कुछ कट गया, सो टेप कैरी करो. मतलब इलेक्ट्रिक टेप भी कैरी कर सकते हो जो ब्लैक और रेड कलर की आती है, तो कहीं से वायर में कुछ कट वट लग सकता है, तो बेटर कैरी एक्स्ट्रा टेप, एक्स्ट्रा नहीं टेप कैरी करो. तो सिक्स्थ आइटम इज़ टेप. सो सेवन्थ आइटम इज़ वायर. सो वही वायर कट की जो मैं बात कर रहा था, तो बेटर है कि आप एक्स्ट्रा वायर भी कैरी करो, क्योंकि बाइक में कोई भी इलेक्ट्रिक इशू आ सकता है, कोई वायर कट हो सकती है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रखी है, हॉर्न लगा रखा है, या कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रही है, तो एक्स्ट्रा वायर कैरी करना. तो सेवन्थ आइटम इज वायर. सो जो एट्थ आइटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा है कि लाइक आप कैरी करो एक्स्ट्रा टार्पिंग शीट. टार्पिंग शीट कैसे काम आएगा, जो आपका सामान पीछे लगेज रखा होगा अपने या आगे बैग और टैंक बैग, उनको कवर करने के लिए. उसमें अगर वाटर प्रूफिंग है भी, फिर भी आप एक्स्ट्रा अगर शीट उसमें रखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बारिश में कई बार वाटरप्रूफ चीज़ें भी हेल्प नहीं करती, तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हेल्प्स. और नेक्स्ट आइटम है हमारा
रेनकोट। सो रेनकोट का ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी लास्ट राइड थी, सो दिल्ली में तो बहुत बारिश थी लेकिन टूवर्ड जयपुर आते हुए थोड़ी कम थी, उन्होंने रेन गेयर्स ले लिए थे। सो एक रेन जैकेट और एक रेन पैंट विल हेल्प। सो बेटर है कैरी रेनकोट मीन्स रेन गेयर्स। सो ऑब्वियस है कि आप राइड ख़राब नहीं करना चाहोगे, बार बार रुकना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, बारिश में क्यों रुकना। तो ऑन द गो अगर आपको ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने हैं बारिश में, तो बेटर है आप रेन गेयर्स पहन के निकलो अगर बारिश का लगता है, और बेटर है साथ में लेके तो चलो ही। सो आई थिंक 9th आइटम थी रेनकोट। सो जो 10th आइटम है वो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़। सो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास शू कवर है तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको लेना, लेकिन अगर शू कवर नहीं है तो बेटर है एक एक्स्ट्रा शू पेयर कैरी करो, सो दैट कि अगर शूज़ आपके गीले हो जाएँ सो सूखने में टाइम लग जाता है, तो बेटर है एक एक्स्ट्रा कैरी करो। मैं अपने लास्ट राइड पर लेके गया था लेकिन वो यूज़ नहीं हुए थे, लेकिन स्टिल मैंने अपने बाइक की जो साइड डिक्की थी उसमें वो रखे थे। सो अगर बाई चांस गीले हो जाते तो चेंज कर सकते थे, इसलिए 10th आइटम इज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शू। सो जो 11th आइटम है वो है टॉर्च। सो टॉर्च का इज लाइक वो हेल्पफुल होती है अगर आप नाइट राइड करते हो, तो अगर आप बाइक से उतरते हो कुछ इधर उधर जा रहे हो तो कुछ सामान का, मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही है टॉर्च का क्या यूज़ है, तो 11th आइटम इज अ टॉर्च। 12th आइटम इज़ जिप टाई। सो जिप टाई आपको पता होगा, ब्लैक टाई जो होती है, जो जिप टाई आपको हेल्पफुल होती है वायर्स को बांधने के लिए, कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है, कोई वायर आपकी निकल रखी है बाइक से तो यू कैन यूज़ जिप टाई। सो 12th आइटम इज़ जिप टाई। सो 13th आइटम इज़ WD-40। सो WD-40 क्या होता है, एक लिक्विड स्प्रे आता है जो जैसे आपके बटन्स, बेसिकली बटन्स और कहीं पे भी नट बोल्ट को अगर आप जैसे आपको लूज़ करना है या बटन्स में टाइट हो जाते हैं, नट बोल्ट बेसिकली नट बोल्ट्स के लिए है कि अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी मैकेनिकल नीड की वजह से आपको कोई नट लूज़ करना पड़ा और नट हो रखा है जाम, सो आप उसमें यूज़ कर सकते हो WD-40। WD-40 सही है, मतलब अगर सोलो राइड करो तो बेटर आप कैरी करना, ग्रुप में मे भी किसी के पास हो सकता है लेकिन सोलो राइड के लिए यू शुड कैरी दैट। वैसे जो अगला आइटम है वो सबके पास होता ही है, लेकिन फिर भी यू शुड मेक श्योर कि आपकी बाइक में है बेसिक टूल किट। तो बेसिक टूल किट का कैसे रहता है कि सबको सामान प्लस प्लायर्स भी होने चाहिए। सो देख लो, वैसे तो दो तीन चीज़ें ही होती हैं, तो अपनी एक टूल किट अलग बना लो बाइक के लिए जो लॉन्ग राइड्स में आपको हेल्पफुल हो सकती है, तो उसके लिए यू कैन गूगल कि क्या क्या सामान होना चाहिए। सो 14th आइटम इज़ बेसिक टूल किट विथ प्लायर्स। जो नेक्स्ट आइटम है वो 15th आइटम है, वो है फर्स्ट एड किट। बेसिकली फर्स्ट एड किट सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल नहीं रह सकती, आपके जो साथ में राइडर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सो बेटर है कि आप एक फर्स्ट एड किट तो कैरी करो, वैसे बाइक के अंदर एक फर्स्ट एड किट होती है, लेकिन एक प्रॉपर किट रख लो अपने हिसाब से जो आपको चीज़ों की नीड पड़ सकती है। सो यू कैन गूगल दैट कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, मेक योर ओन किट और वो कैरी करो आपके लिए भी और अपने साथ के राइडर्स के लिए भी। सो नेक्स्ट आइटम है एयर पंप। सो एयर पंप आप कैरी करो क्योंकि आप जो रोड्स पर राइड कर रहे हो वो अलग अलग हो सकती है, सो बेटर है कि आप एयर पंप कैरी करो, सो दैट अगर एयर प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो आप उसको मेंटेन करके रखो, क्योंकि वही आपके टायर को बचाएगा पंचर से भी। सो एयर पंप अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो बस मेक श्योर कि किसी के पास हो, अगर आप सोलो जा रहे हो तो आपके पास होना चाहिए। सो जो नेक्स्ट आइटम है वो पॉली बैग। सो पॉली बैग यू कैन कैरी, वो आपको हेल्प कर सकते हैं सामान रखने में, कुछ भी मतलब चीज़ में हेल्प हो सकती है। सो इट्स गुड टू कैरी पॉली बैग्स विद यू ऑन अ लॉन्ग राइड। सो जो लिस्ट मैंने शेयर करी ये आइटम्स थे जो आपको बाइक के रिलेटेड काम आ सकते हैं लॉन्ग राइड पे, जो एक्चुअल में आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होंगे लेकिन जब आपको इमरजेंसी में नीड होगी तो ये सब हेल्पफुल रह सकते हैं। तो बेटर है क्रिएट अ किट सब सामान के साथ अपनी बाइक में, या तो साइड डिक्की कुछ ऐसा कुछ नहीं है अगर लगवा लो उसमें सामान रख लो, क्योंकि ये आपको हर राइड में हेल्पफुल रह सकते हैं, किसी और के लिए भी बेटर है कैरी ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर द एसेंशियल थिंग्स यू शुड कैरी ऑन ए लॉन्ग राइड। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा सामान है जो मैंने अपनी बाइक पर लगवाया जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। वैसे तो आप मेरी वीडियोस देख ही लेना गोल्डन ट्रायंगल राइड के आई बटन पे, उसमें मैंने साथ साथ बताया है, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है सामान जो मैंने लगवाया था। सो फर्स्ट था साइड डिक्की। सो साइड डिक्की मैंने लगवाई, जो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लो। सो ये डिक्की मैंने लगवाई थी गुड़गांव से ही। सो ये मुझे बहुत हेल्पफुल रही, मैंने इसमें रखा था अपना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शू और टूल किट और रेन गेयर्स, तो यही चीज़ें हैं जो मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने इसे एक्स्ट्रा डिक्की में रखा था। सो पहली चीज़ साइड डिक्की। सेकंड था मेरा बोल्ट का चार्जर। सो
बाइक में चार्जर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने फ़ोन यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए या नॉर्मल फ़ोन यूज़ भी जैसे करते हैं म्यूज़िक के लिए। सो बेटर है कि ऑन द गो आपको चार्जिंग मिले बाइक में आपके फ़ोन के लिए। तो उसके लिए मैंने लगवाया था ये बोल्ट का चार्जर जो मेरे पहले से लगा हुआ था, तो उसके लाइव बटन पर भी वीडियो आ रही है जो मैंने बनाई थी तब जब मैंने लगवाया था। सो थर्ड आइटम जो था वो थे रियर व्यू मिरर। एक्चुअली रियर व्यू मिरर मेरे पास पहले साइड वाले थे जो बार एंड मिरर थे, लेकिन फॉर लॉन्ग राइड वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, तो मैंने उसे चेंज करा के लगवाए थे रियर व्यू मिरर्स जो एक्चुअल बजाज एवेंजर के आते हैं। सो दैट्स अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। अगर हमने नहीं लगवाया तो बेटर वापस लगवा लो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और अगर आप सोच रहे हो हटाने की आपकी पहले की बाइक से, तो मत हटाना, क्योंकि शो से ज़्यादा हमें सेफ्टी की ज़रूरत है लॉन्ग राइड पे। सो रियर व्यू मिरर रहने देना। सो जो फोर्थ आइटम है वो थे ऑक्स लाइट्स, जो हेल्पफुल रही मेरे लिए, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ लाइट का थोड़ा इशू होता है, लाइट्स नहीं होती, कार अपनी लाइट पे चलते हैं लोग, सो वहाँ पे ऑक्स लाइट्स बहुत जरूरी सही रही। और तो ऑक्स लाइट्स लगवा लेना, मैंने तो नॉर्मल मार्केट से लगवाई थी, बट आप कोई भी लगवा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उसका, सो यू कैन बाय ऑनलाइन ऑल्सो। सो जो भी सामान मैंने आज बोला है, जिन जिन के ऑनलाइन लिंक मुझे मिलेंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो देख लो, अगर कुछ बाय करना है तो यू कैन बाय फ्रॉम देयर। सो अब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो मुझे लगा कि अगर मेरी बाइक में होता मेरी लॉन्ग राइड पे, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती। सो पहली चीज़ थी या तो कोई सीट कुशन, या मैं अपनी सीट ही चेंज करा लेता, तो ये मुझे कराना बहुत ज़रूरी था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं आई वॉज वेटिंग फॉर माई फर्स्ट राइड टू नो कि मुझे क्या क्या चीज़ों की कमी थी। तो बेटर है बाय सम फीगो एयर फ्लोट जो भी आता है, या कोई भी जो सीट के ऊपर लगता है कुशन, ऐसा कुछ जो दिख रहा है ऊपर। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। सो मैं भी बाय करने वाला हूँ, कि सीट मॉडिफिकेशन से अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए करें, वही बाय कर सकते हैं। तो सेकंड चीज़ मेरी बाइक में अगर मैंने लगवाई होती तो मेरी राइड क्लच अच्छी लगती, वो होता जो ग्रिप में क्रूज़ कंट्रोल होता है। क्रूज़ कंट्रोल एक्चुअली क्रूज़ कंट्रोल तो अलग आता है, लेकिन बाइक के लिए एक नॉर्मल एक प्लास्टिक का एक आता है ऐसे टर्न में, जैसा दिखता है कुछ ऐसा। सो ये अगर लगवा लेता तो क्या होता है, जब लॉन्ग राइड पे आपको एक्सीलेटर पकड़ के रखना होता तो वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सो वो भी हेल्पफुल रहता। सो थर्ड चीज़ होती है जो अगर बाइक में होती तो वो था अच्छा हॉर्न, एक्स्ट्रा हॉर्न एक्चुअली। सो क्या होता है, जो बाइक के साथ हॉर्न आता है वो बहुत लो साउंड होती है। सो एक अच्छा हॉर्न आपको हेल्प करता हाईवे राइड पे, क्योंकि हाईवे पे ना कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कोई भी लोग कहीं से आने लगते हैं, सो हॉर्न चाहिए होता है। वैसे ग्रुप के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई लीड करेगा आप बीच में हो गए, सो अगर आप लीड करने वाले हो तो अच्छा हॉर्न होना चाहिए। सो आई एम डन विद द लिस्ट ऑफ आइटम्स यू शुड हैव ऑन योर लॉन्ग राइड। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आज। और अगर मैं आज गया अपने BMW की राइड टेस्ट राइड पे, तो वीडियोस अगली आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको देखनी है BMW 310 GS और R की टेस्ट राइड। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो उसी की आएगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो टू नो कि एक्चुअली मैं गया कि नहीं गया था, उसको देख के फिर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, आई एम डन फॉर टुडे, अब जाते हैं जल्दी घर जाके थोड़ा सा रेडी होके, आई विल गो टू BMW शोरूम। चलो बाय।